एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? मे भी आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं 2 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग, काफ़ी लेट हो गई हूँ। आप लोग बोलेंगे इतना लेट ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो उसका भी रीज़न मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताऊंगी। वीडियो पर पूरा ही बने रहिएगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर देखिए मैं कर रही हूँ, आटा लगाई हूँ और यहाँ पर आटे का कट्टा रखा हुआ है। और सब्जी दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। सब्जी मैं बना रही हूँ यहाँ पर आलू और ये वाली जो फली होती है उनकी, ये वाली फली वाली सब्जी। तो इसकी रेसिपी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, बट मैं आप लोगों को बताती हूँ। कल है दीव का, परसों है दीव का बर्थडे, तो उसकी तैयारी में प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। आज मैंने व्लॉग आफ्टरनून से स्टार्ट करा है, तो मैं आज आपको व्लॉग में दिखाऊँगी कि मैं किस तरीके से दीव की प्रिपरेशन कर रही हूँ अकेले ही। क्योंकि देखिए ससुराल ससुराल होती है, मायका मायका होता है। ससुराल में तो बहुत कम मतलब आते हैं लोग, लेकिन देखिए अभी क्या है ना, सभी के स्कूल भी खुल रहे हैं। तो आप लोगों को पता है कि मेरी बहन जॉब करती है, स्कूल में पढ़ाती है, टीचिंग करती है, तो उस पर इतना टाइम नहीं है कि वो हेल्प करा पाए। और फिर वो कहती है कि रोज़ रोज़ ये दीदी के ससुराल आना ठीक नहीं रहता। तो वो मेरे मायके वाले मेरे ससुराल में बहुत ही कम चांस होता है। खासकर मेरे मम्मी पापा तो आपने देखा ही होगा, वो कभी नहीं आए मेरी शादी के बाद, वो कभी नहीं आए। और उसके बाद मेरी मम्मी तो मेरी ससुराल का पानी तक नहीं पीती हैं। अभी तक उन्होंने मेरी ससुराल का पानी नहीं पिया है, वो थोड़ी ओल्ड सोच की हैं। और ये देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ का जो पर्दा था ना वो सब हटा दिया है यहाँ से, क्योंकि मैंने वो वॉश करे थे सुबह मॉर्निंग में, इसीलिए अभी तक मेरा खाना नहीं बना है। मैंने सुबह मॉर्निंग में जो चुर्री होती है ना, चुर्री जो स्नैक्स में, वो खाई थी। और ये देखिए यहाँ का भी पर्दा मैंने धो के डाल दिया है। और बूफर मेरा जो ख़राब हो गया था, बूफर होने गया है सही, उसमें 300 रुपीज़ लगे हैं, तो बूफर सही होने गया है। वहाँ यहाँ पर उसके 2-3 स्पीकर रखे हुए हैं, तो वो सही होने गया है। वो ख़राब हो गया था तो मतलब ठीक नहीं लग रहा था। बिना गाने के बर्थडे पार्टी में कुछ इंजॉयमेंट नहीं होती। और मैं सोच रही हूँ कुछ गेम्स वगैरह भी कराऊँ दिया की बर्थडे पार्टी में, अगर टाइम मिलेगा मुझे तो, क्योंकि मैं अकेली ही हूँ सारा काम देखने वाली करने वाली, तो फिर देखते क्या होता है। और यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है ना, ये दीव की जो बर्थडे, ये देखिए गिर गई, ये है कैप जो दीव के बर्थडे में हमने पिछले साल यूज़ करी थी, तो वो रखी हुई है। और उसके बाद यहाँ पर सामान, ये जो गिफ्ट्स वगैरह हैं, ये गिफ्ट वगैरह रखे हुए हैं जो हमें मिले थे मतलब बर्थडे में, वो वाले गिफ्ट्स यहाँ पर रखे हुए हैं। और इसके बाद यहाँ पर मेरा कुछ सामान है मेकअप वगैरह का, और बूपर के स्पीकर रखे हुए हैं, वो भी सही होने गया है, तो उसमें 300 रुपीज़ लगे हैं। और अभी ना कुछ भी सामान नहीं आया है बर्थडे का, जो कि मैंने पर्चा बना के हस्बैंड को दिया है, अभी तक नहीं आया है। तो और गीत कराने उसका मैं वो भी लिखवाऊँगी, क्या बोलते हैं पर्चा जो होता है वो लिखवाऊँगी, तो वो देखती हूँ वो कौन लिखता है। और ये सारा काम मेरा हो गया है। पर्दे धोए थे मैंने आज, आसन वगैरह धोए थे, तो वो मेरे छत पर डले हुए हैं धुलने के लिए। और दिया का बर्थडे होगा तो मैं ये सारी जो रस्सी वगैरह है सब काट दूंगी, ये रखी है। और ये वाला जो पलंग है वो वहाँ डालूंगी, और ये पलंग कमरे में एडजस्ट कर दूंगी। तो ऐसा कुछ सोचा है मैंने करने के लिए, अभी तो जब करूँगी तभी पता चलेगा क्या है। और अभी दिया अपने पापा की दुकान पर गई है, और अभी कल मेरे हस्बैंड है ना टीवी का रिमोट लेकर आए थे, टीवी का तो रिमोट नहीं सॉरी सेटअप बॉक्स का रिमोट ख़राब हो गया है, तो सेटअप बॉक्स का रिमोट लेकर आए थे हस्बैंड, तो अभी वो कनेक्ट नहीं करा, सही नहीं हुआ है। मतलब इस ये वाला तो, इसके तो मैंने सेल निकाल दिए, ये ख़राब हो गया है। और जो हस्बैंड लेकर आए थे न्यू रिमोट, वो कैच नहीं करा, सेटअप बॉक्स में लगा नहीं है, तो वो भी मतलब सही न्यू आएगा दूसरा। और यहाँ पर देखिए वही है। और चलिए अब मैं तैयारी कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। बाय।
गाइस अभी रात के 11 बज रहे हैं और देखिए मैंने यहाँ पर बर्तन अभी मेरे साफ़ नहीं हुए और यहाँ पर देखिए दिया पानी से खेल रही है और यहाँ पर देखो किताबें वगैरह रख दी हैं, यहाँ से सभी चीज़ सफाई कर दी है मैंने। दियो रुक जाओ, तो मैंने सफाई कर दी है यहाँ पर, कूलर वूलर भी मतलब सारा अंदर से साफ़ कर दिया है यहाँ से, और बाकी सारी सफाई करी है मैंने। यहाँ की जो मैटी थी वो धुलने डाल दी है, यहाँ साफ़ कर दिया है, पर्दा धुलने डाल दिया है, ये पर्दा मैंने यहाँ लगा दिया है और ये धुलकर आ चुक धुल धो दिया था मैंने मॉर्निंग में, तो आज सूख गया, नहीं तो सूख भी नहीं पाता। तो यहाँ देखिए इसको ऐसे लगा देते हैं और फाइनली ये वाला पर्दा मैंने चेंज कर दिया है, ये मैंने ब्लू कलर का लगा दिया है, वो वाला हटा दिया है, ठीक है तो यहाँ से हटा दिया है। और यहाँ हस्बैंड लेकर आए हैं बादाम, जिसको दिया के मतलब मंदिर में जो गाने होंगे उसमें ये बादाम बटेंगे, तो ये यहाँ पर बादाम रखे हुए हैं फाइनली, अभी दिखाऊंगी। तो फाइनली यहाँ पर ये मतलब कि ये बादाम कर मतलब रख दिए मैंने, और यहाँ ये इसकी मतलब ये मंदिर में बटेंगे, हमारे यहाँ पूजा होती है आप लोगों को पता है, जिसमें बादाम चावल लौंग इलायची किशमिश चा और छुआरे ये सभी चीज़ बटती हैं। बट हस्बैंड कह रहे थे तुम इतना सारा काम नहीं कर पाओगी, यानी कि सफाई नहीं कर पाओगी इन सब चीज़ों की, इसलिए हस्बैंड कह रहे थे बादाम ही बादाम बंटवाएंगे। तो ये बादाम है और भी बादाम आने हैं, ये 2 किलो से ज़्यादा है शायद, पता नहीं कितने हैं, लेकिन और भी बादाम आने हैं, तो उनके पैकेट में भरे जाएंगे, कम से कम 20-30 पैकेट बनेंगी। तो यहाँ वो हैं और टीवी का अभी तक रिमोट आया नहीं है, तो भी सही नहीं हुई है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी बहन क्या लेके आई है बर्थडे पार्टी के लिए। तो यहाँ पर ये सामान है जो डेकोरेशन का है दीव के लिए, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। और अभी मुझे बर्तन भी साफ़ करने हैं, और प्लीज़ मेरे फेस पर मत जाइएगा, रात के 11 बजने वाले हैं, मतलब 45 हो गए हैं, तो काम थक गई हूँ मैं घर से, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। और अभी तो मुझे मॉर्निंग में बहुत सारा सामान धोना है, मतलब जो मैंने फ्लावर पॉट वगैरह यहाँ रखे थे ना यहाँ पर सारे, वो सारे धुलने हैं, इधर रखे थे वो भी धुलने हैं सारे, मैं सर्फ में गला कर रखा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये पिछले साल की कैप है, ये रखी हुई थी तो मैंने रख दी है संभाल कर, मतलब रख दी है, किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ करेगा। ये कैप है, ये भी पिछले साल की है, प्रीवियस ईयर की, तो ये दीव के लिए मैं लेकर आई थी, अच्छी है ना ये, अच्छी लगती है, सुंदर सी ये है। और ये वाली पिछले साल की कैप है, ये वाली, ये कैप भी पिछले साल की है, तो ये 3 कैप ऐसी हैं, मतलब 5 कैप पिछले साल की हैं और 4 कैप मंगाई है मैंने, 1, 2 और 3, 4 ये मंगाई है बच्चों के लिए, तो ये 7 कैप हो गए, बच्चे लगाएंगे जो लोग फोटो खिंचाना चाहेगा, या फिर बच्चे पार्टी करेंगे, गेम्स वगैरह अगर हुए पॉसिबल तो गेम्स वगैरह भी कराएंगे, तो ऐसे करके ये है कैप। ये है दीव का क्राउन, ये दीव का क्राउन है, यहाँ पर लगा सकते हैं आप, कहीं भी लगाइए, ये क्राउन है दीव का, ये है ऐसे करके, ठीक है। और ये है बड़े बैलून में भरने वाले, मेरे पास रखे हुए थे, और ये भी है, तो ये टॉफी वगैरह भरते हैं ना बैलून में, बड़े वाले में उठती है। और ये इसकी डेकोरेशन होगी, इसमें है रेड वाइट और गोल्डन और ब्लैक कलर के बैलून हैं। ये कुछ इस तरह के पैकेट हैं, और ये है मतलब कि वो भरने वाली, ओ सॉरी, बैलून को फुलाने वाले, क्योंकि मुंह से फुलाते फुलाते बहुत सारे लोगों पर फूलते हैं, बहुत सारे लोगों पर नहीं फूलते तो दर्द हो जाता है, तो उससे फुलाने वाली है ये। ये दीव की बारहवीं गर्ल, वो बर्थडे गर्ल वाली बैल मतलब रिबिन है। ये है बड़ा वाला बैलून, हैप्पी बर्थडे वाला, और ये है हैप्पी बर्थडे वाला, क्या बोलते हैं उसको, हैप्पी बर्थडे लिखा है, ये व्हाइट कलर का है, ठीक है। ये है वो फोड़ते हैं, वो ऐसे फोर हैं, ठीक है, ऐसे फोर हैं, और ऐसे ये है, ये भी मतलब डेकोरेशन करने के लिए, वो भी शायद, ये भी, ये 3 है शायद, ये 3 है,
नहीं फोर है, ठीक है ये फोर है ये वाली, ये इस तरीके से ये भी डेकोरेशन का ली है। और ये ड्यू सिक्स ईयर की हो जाएगी, तो ये सिक्स ईयर की मोमबत्ती है, वैसे कैंडल है, वैसे कैंडल तो केक में लगेगी नहीं, साइड से ही रख दो। और ये फोर टेप है, टू साइड टेप, वैसे भी मुझे ज़रूरत थी, जैसे टी मांग टीका वगैरह लगाते हैं उसमें ज़रूरत पड़ती है, तो ये है फोर। अरे यार ये तो छूट नहीं रहे, तो ये फोन है छूट नहीं रहे, पता नहीं है। बस यही सामान है दीव के डेकोरेशन का, तो मैं इसमें रख दे रही हूँ फटाफट से, क्योंकि बस ये दीव के जब से आई है ना तब से इसने बार बार बैलून खिला रही है बार बार। तो देखिए काफी मतलब मंदिर में प्रोग्राम हो रहा है, तो वहां पर भी जो गीत होंगे, बादाम वगैरह बटेंगे, वहां पर जो डांस डांस वगैरह होंगे, तो उसमें जो पैसे वगैरह क्या बोलते हैं नौछावर होती है वो करनी पड़ती है। और उसके बाद तो उसके बाद क्या होता है, ये सब करना पड़ता है। और बूफर, हाँ इसका जो मेरा जो म्यूजिक सिस्टम था बूफर था वो खराब हो गया था, वो सही होने डला था, तो आधा सही हो गया आधा रह गया, तो वो भी सही होकर कराएगा पूरा। और दिखा देती हूँ, ये है ये जो जो दावत होगी यानी खाना होगा उसके लिए प्लेट्स वगैरह है, तो बच्चे बच्चे बुला रहे हैं, क्योंकि बाहर मंदिर में ही, क्योंकि यार जिस दिन दिया का बर्थडे ना उस दिन बहुत सारी शादियाँ हैं, बहुत सारी शादियाँ, तो पता नहीं कौन आएगा कौन नहीं आएगा नहीं पता, तो इसलिए ज़्यादा हमने वो नहीं करा है। दिखा देती हूँ, ये प्लेट्स हैं ऐसी वाले पत्तल वाली, और ये चाय के कप हैं, और ये है कटोरी, और ये है चम्मच का पैकेट, और ये है पानी वाले ग्लास, ठीक है। तो ये अलग सामान है, ये पिछले साल का बच्चा था वो है, ठीक है। अभी और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये टॉयलेट करके आओ बेटा, ठीक है। और ये अभी हस्बैंड लेकर आए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ये हस्बैंड लेकर आए हैं अभी। तो इसमें है फाइबर की प्लेट, चाय के ग्लास, और ये पानी के ग्लास, और ये है बच्चे केक वगैरह लेके जाते हैं घर पर उसके लिए यहाँ पर प्लेट, ठीक है। तो ये ही है सारा सामान बस। तो अब मैं मिलूंगी, कब मिलूंगी नहीं पता, कल शूट कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी तो बताती हूँ, ठीक है। तब तक के लिए बाय, एंड आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, ऐसी दुआओं में याद रखिएगा, एंड चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं, टाटा बाय।